प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री द्वारा चुनावी हार के बावजूद योजनाओं की सफलता के दावे को गलत करार दिया है। पायलट ने कहा कि इसलिए जनता ने उपचुनाव में सरकार को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को सरकार द्वारा सफलतम योजना के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, उस योजना ने आम गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने से वंचित कर रखा है। उन्होंने कहा कि जल स्वावलंबन योजना भी अपारदर्शिता की शिकार है और ODF के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है एवं गरीब जनता का शौचालय निर्माण के नाम पर शोषण किया गया है। वहीं प्रदेश के युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। पायलट ने सलाह दी है कि CM को बड़े बोल बोलने की जगह शेष बचे कार्यकाल में जनहित के काम करने चाहिए। वहीं राजनीतिक गलियारों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की भी चर्चा बनी रही। कहा जा रहा है कि अशोक परनामी ने राष्ट्रीय संगठन मंत्री वी सतीश को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।